क्वेश्चन नंबर 14 ये है। तो हमने एक्स की पावर 5 को मान कर दिया एक्स की क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स की क्यूब माइनस 1 को टी मान लेते हैं, तो एक्स की क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x² 1 का 0, dx इज इक्वल टू dt। तो x² dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3 dt, और एक्स की क्यूब की वैल्यू होगी टी प्लस 1 इस समीकरण से। तो एक्स की क्यूब माइनस 1 की जगह तो रख देते हैं टी की पावर 1/3 डॉट एक्स क्यूब की वैल्यू है टी प्लस 1, x² dx हो गया dt, और ये 1/3 है जो बाहर लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 dt। टी की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी की पावर 1/3 को होता है टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3। टी की वैल्यू रख देते हैं एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 अपॉन 4/3, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 x² अपॉन 2 प्लस 3x³³। तो 2 प्लस 3x³ को मान लिया टी, 2 का अवकलन 0, 3x³ का हो जाएगा 9x² dx=dt। तो x² dx की वैल्यू आ जाएगी 1/9 dt, 1/9 लिख दिया बाहर, इसको x² dx की वैल्यू आ गई dt/t³, 1/9 t³ ऊपर आ गई t³-3 dt, 1/9 t³-3 का इंटीग्रेशन होगा t²-2/-2 + c। तो 1/9 t की वैल्यू रख देते हैं जो हमने मानी थी, 2 + 3x³ - 2/-2 + c इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 1/(x log x)^m का इंटीग्रेशन। तो log x को मान लिया जाता है इसमें t, तो log x का इंटीग्रेशन होता है 1/(x dx)= dt। तो 1/(x dx) को तो रख देंगे dt, इसको t मान ही रखा है, तो 1/(t³m dt, टी की पावर एम ऊपर आएगी टी की पावर -m dt - m dt। टी की पावर -m का इंटीग्रेशन टी की पावर -m+1/(-m+1) + c। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं वैसे ही स्टार्टिंग की तरह, तो log x की पावर -m+1/(-m+1) + c इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नंबर 15 x/(9-4x² का इंटीग्रेशन। तो 9-4x² को टी मान लिया, 9 का अवकलन 0, माइनस ऐसे जैसे 4x² को जाएगा 8x dx=dt। तो x dx की वैल्यू आ जाएगी -1/8 dt, -1/8 लिख दिया बाहर, dt/t। तो -1/8 1/t dt होता है log t प्लस c, लोग टी की वैल्यू रख देते 1/8 लोग टी की वैल्यू है 9-4x² + c।